नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज, खबर प्रतापगढ़ से। मुंबई से गिरफ्तार कर थाना रानीगंज लाया गया जानलेवा हमले का आरोपी, बाथरूम जाने का बहाना कर लॉकअप से फरार। पुलिस द्वारा पुनः 2 घंटे के बाद कथित आरोपी शिवम मिश्रा गिरफ्तार हुआ। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लॉकअप से फरार होने के बाद खेत में छिपा था, थाने से भागा आरोपी। सियोरानीगंज ने घेराबंदी कर आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी के फरार होने पर रानीगंज थाना मामले की जांच करने पहुंचे एएसपी। थाने से फरार होने पर आरोपी के विरुद्ध दर्ज होगा अभियोग। लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों पर गिर सकती है गाज। आरोपी को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। आज बाथरूम के लिए निकला जानलेवा मामले का आरोपी थाने से पुलिस को चकमा देकर हुआ था फरार। आरोपी को मुंबई से गिरफ्तार कर थाने ले आई थी रानीगंज पुलिस। 7 सितंबर को जनपद प्रतापगढ़ के थाना रानीगंज से संबंधित सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर वायरल खबर जानलेवा हमले का आरोपी थाने के लॉकअप से फरार के संबंध में पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ द्वारा दी गई बाइट, आइए सुनते हैं। सर, रानीगंज से एक लॉकअप से मुलजिम भागा है, क्या है पूरा मामला? देखिए, एक 307 का मुलजिम था जिसको कि रानीगंज पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया था, उसको दाखिल किया गया और आज माननीय न्यायालय के समक्ष उसको पेश किया जाना था। जब उसको लॉकअप से निकाला गया तो वो वहाँ से भाग निकला। सीओ रानीगंज के नेतृत्व में काफ़ी प्रयास किए गए और इसमें कॉम्बिंग लगातार की गई और बड़े अथक परिश्रम के बाद में मुलजिम को दोबारा से उसको अरेस्ट कर लिया गया है। मुलजिम के खिलाफ एक और अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और साथ ही साथ में जिस पुलिसकर्मी की इसमें उदासीनता थी, जिस पुलिसकर्मी की इसमें लापरवाही थी, उसके खिलाफ भी इसमें कार्रवाई की जाएगी। किस तरह? प्रतापगढ़ से प्रिंस प्रजापति की रिपोर्ट।